तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है उत्तर अमेरिका के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है जमैका। हाँ दोस्तों, उत्तर अमेरिका के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है जमैका। तो दोस्तों चलिए, ये देश का नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है जमैका की नेशनल फ्लैग में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है और इंडिया के साथ रिश्ता क्या है, और ये देश में कुछ अजीबोगरीब प्राणी और प्रजाति की कुछ ऐसा पक्षी पाया जाता है जो बहुत ही दुर्लभ है। तो दोस्तों, ये देश अमेरिका महादेश के अंदर कितने नंबर पे आ रहा है इंग्लिश बोलने वाले देशों के अंदर। और ये देश के अंदर एक ऐसा पर्वत है जो पर्वत बहुत ही भयानक, किस लिए, और ये देश एक ऐसे जगह पर स्थित है जहां पर सबसे ज्यादा हैरिकेन आता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर असल में ये देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है और ये देश का पॉपुलर सिंगर का नाम क्या है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, जमैका जो लैटिन अमेरिका या मध्य अमेरिका के एक देश और कैरिबियन सागर के अंदर आता है एक द्वीप राष्ट्र, देश का नाम जो है जमैका। तो दोस्तों, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 10.991 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर 160 नंबर सबसे बड़ा देश की लिस्ट में 160 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर असल में जमैका दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आसपास में बहुत सारे विदेशी अंचल आपको नजर पे आ जाएंगे और आसपास में बहुत छोटे छोटे देश और बड़े बड़े देश आपको नजर पे आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कैरिबियन सागर आपको नजर पे आ रहा है और लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है जमैका मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, कैरिबियन सागर के अंदर क्यूबा और हिस्पानी वाला देश के बाद जो है सबसे बड़ा देश, देश का नाम जो है जमैका। तो दोस्तों, ये जो है कैरिबियन सागर के अंदर, इसके अलावा उत्तर में क्यूबा आपको नजर पे आ जाएगा और उत्तर पूर्व जो है हिस्पानी वाला देश। तो दोस्तों, हिस्पानी वाला देश दो देश, एक जो है हाइती और दूसरा जो है डोमिनिकन रिपब्लिक, और चारों तरफ जो है कैरिबियन सागर आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, राजधानी की तरफ चलते हैं। राजधानी के अंदर जो है ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, इसके अलावा सबसे बड़ा पोर्ट सिटी भी मौजूद है और जहां पर इंडियन दूतावास भी मौजूद है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं, जो ये देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं देश की राजधानी किंगस्टन में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो स्थित है ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है आपको आइसलैंड नजर पे आ जाएंगे। इस आइसलैंड में मौजूद है ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, क्यूबा से ये देश की अगर हम दूरी देखें तो दोस्तों 145 किलोमीटर दूर में क्यूबा स्थित है, और ये देश से हिस्पानी वाला देश की दूरी अगर हम देखें तो दोस्तों 191 किलोमीटर दूर, और केमैन आइसलैंड जो ब्रिटेन की एक विदेशी अंचल, वो जगह की अगर हम दूरी देखें तो दोस्तों 215 किलोमीटर दूर। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है यूनाइटेड किंगडम से स्वाधीन हुआ है, 6 अगस्त 1962 में ये देश स्वाधीन हुआ है, और ये देश जो है लैटिन अमेरिका या मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश जो कैरिबियन सागर के अंदर एक द्वीप राष्ट्र है। तो दोस्तों, ये देश के साथ जो है US का विवाद इसीलिए है क्योंकि छोटे छोटे कुछ आइसलैंड लेकर जो है ये देश दावा करता है वो आइसलैंड उसका है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ा पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, जो देश की राजधानी किंगस्टन में मौजूद है। तो दोस्तों, ये देश एक ऐसा देश जो अमेरिका महादेश के अंदर सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश, हाँ दोस्तों, थर्ड सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश जो है ये देश मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देश की सबसे बड़ा पोर्ट सिटी और साइड में जो है एक एयरपोर्ट है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, ये देश जो है न्यूक्लियर हथियार तैयार नहीं करेगा, इसलिए जो है UN में साक्षर किया है 2017 में, और ये देश में जो है 14 प्रशासनिक अंचल है। इसके अलावा ये देश के अंदर जो है बहुत बड़ा एक ब्लू पर्वत मौजूद है। तो दोस्तों, वो पर्वत इसलिए खतरनाक है क्योंकि इतिहास की अगर हम पन्ने देखें तो दोस्तों 1692 में जो है ये देश में बहुत बड़ा भूकंप आया था वो ब्लू पर्वत लेकर। मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश के हर एक शहर और एक ऐसी जगह जहाँ पर इंडियन दूतावास मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जमैका की राजधानी किंगस्टन के अंदर कहाँ पर इंडियन दूतावास मौजूद है। मैं आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। लोकेशन के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये देश जो है अटलांटिक महासागर के अंदर हैरिकन अंचल के अंदर स्थित है या हैरिकन अंचल के अंदर आता है, इसलिए ये देश में जो है बहुत बड़े बड़े तूफान और साइक्लोन जो है दस्तक देता है। तो दोस्तों, 1951 में जो है चार्ली, 1988 में जो है गिलबर्ट, 2000 में जो है इवान डीन, बहुत सारा ऐसा तूफान इस देश में दस्तक दिया है। और ये देश में जो है कुछ ऐसी प्रजाति की पक्षी और उस ऐसी प्रजाति की मछली पाया जाता है जो और कहीं नहीं पाया जाता है और बहुत ही दुर्लभ। तो दोस्तों, ये देश में जो है ब्लू कलर के सांप पाया जाता है जो बहुत ही जहरीला है, और ये देश के कुछ पक्षी और मछली पाया जाता है जो और कहीं देश पे नहीं पाया जाता है। कुछ चमगादड़ भी पाया जाता है जो और कहीं जगह पर नहीं पाया जाता है, और ये देश में जो है कुछ मेंढक पाया जाता है। आप लोग जानते हो जो मेंढक पानी में या जमीन पे रहता है, लेकिन इस देश में जो मेंढक पाया जाता है वो जो है पेड़ पर रहता है। तो दोस्तों,
ये देश की द्वितीय सबसे बड़ा शहर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, मोंटेगो बे आपको नजर पे आ जाएंगे, ये देश की सेकंड सबसे बड़ा शहर आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये देश की सेकंड सबसे बड़ा शहर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो मोंटेगो बे आपको नजर पे आ जाएंगे। और साइड में जो है यहाँ पर एक एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे जो ये देश की द्वितीय सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। और ये देश में कुछ ऐसी प्रजाति की कछुआ पाया जाता है जो और कहीं नहीं पाया जाता है, और एक देश में पाया जाता है वो कछुआ, वो जो है बहामास आइसलैंड में। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के हर एक हिस्सा। तो दोस्तों, ये देश में जो बाशिंदा है वो जो है घाना, नाइजीरिया, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ लोग जो है पहले यहाँ पर रहने आया था। तो दोस्तों, ये देश की पॉपुलर सिंगर जो है बॉब मार्केल, और ये देश के राजधानी के अंदर इंडियन दूतावास मौजूद है, और ये देश के जो दूतावास हमारी इंडिया के अंदर जो राजधानी है वहाँ पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये जो है लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह, ये जो है जमैका आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये देश के अंदर जो है जो इंडियन आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है यहाँ पर इंडियन कल्चर पालन होता है, और यहाँ पर इंडिया की जो एक कल्चर यहाँ पर जो है उसी दिन छुट्टी रहता है। तो दोस्तों, दिवाली के दिन जो है इस देश में जो है छुट्टी रहता है। ये देश के जनप्रिय खेला जो है क्रिकेट, और इंडिया की जो जनप्रिय खेला है वो क्रिकेट। तो दोस्तों, हाँ, दोनों देश की बहुत सारा जगह पर जो है मेल है, और दोनों देश के व्यापार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और दोनों देश जो है कॉमनवेल्थ नेशन के सदस्य है। तो दोस्तों, चलिए जमैका की नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो नेशनल एंथम लिख दिया हूँ, और ये देश की जो है आदर्श वाक्य वो भी लिख दिया हूँ, और ये देश की जो रॉयल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ क्योंकि ये देश जो ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है, और ये देश का ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों, ये देश की जो कैपिटल और ये देश के सबसे बड़ा शहर, हाँ दोस्तों, किंगस्टन राजधानी में आपको दिखा रही हूँ, और इसके अलावा ये देश की जो भाषा इंग्लिश, हाँ दोस्तों, इंग्लिश, इसके अलावा जमैकन पार्टुइस इस देश की और एक भाषा है। धर्म का ही तो इस देश जो है क्रिश्चियन शुमे देश है, और ये देश की जो राजा है चार्ल्स III आपको नजर पे आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की जो गवर्नर जनरल है पैट्रिक एलेन, और इस देश के प्राइम मिनिस्टर एंड्रू होलिसस आपको नजर पे आ जाएंगे। और ये देश जो है स्वाधीन हुआ है यूनाइटेड किंगडम से 6 अगस्त 1962 में। ये देश के एरिया अगर हम देखें, यहाँ पर लिख दिया हूँ जो दुनिया के अंदर 160 नंबर पे आ रहा है, और पानी आप दिया लीजिए यहाँ पर परसेंटेज लिख दिया हूँ। टोटल जीडीपी यहाँ पर देख लीजिए दुनिया के अंदर 119 नंबर पे आ रहा है। करेंसी यहाँ पर देख लीजिए, और ड्राइविंग साइड लेफ्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो है कॉलिंग कोड, हाँ दोस्तों, इस देश की कॉलिंग कोड +1 876 +1 658 यहाँ पर देख लीजिए। जमैका की जो पॉपुलेशन 30 लाख, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन जो है 80,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन है। तो दोस्तों, चलिए ये देश कहाँ पर है मैं जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। असल में जमैका दुनिया के अंदर कहाँ पर है यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। और जमैका और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए एक ही मैप की मदद से, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो एक छोटा सा देश आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये देश की राजधानी और राजधानी के आसपास की कुछ इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों, ये देश चाहता है इंडिया यूएन में जो है स्थायी सदस्य बन जाए। हाँ दोस्तों, इसलिए जो है इंडिया के पक्ष में हर तरह से और इंटरनेशनल मंच पे जो है इंडिया को सपोर्ट करता है। ये देश के पार्लियामेंट में आपको दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए, ये देश के समुद्र के किनारा जुटकर समुद्र तट में आपको दिखा रही हूँ। 2009 और 2010 के अंदर जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $23 मिलियन। ये देश की जो है एक जो सांप मैं आपको दिखाया हूँ जो जहरीला है, ये देश की पॉपुलर डिश मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों, चलिए ये देश की जो है सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान की इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, जो राजा और इस देश की जो गवर्नर जनरल और इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की ज़्यादातर सामान जो है इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है, और जमैका की 3% आबादी जो है इंडियन। हाँ दोस्तों, 1845 और 1970 के अंदर जो है इंडियन वंशधर सबसे ज़्यादा है। इस देश की जो है डिफेंस फोर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जो JDF जो जमैका डिफेंस फोर्स आपको नजर पे आ जाएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये देश के क्लाइमेट चेंज दिखाऊं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए ये देश की एयरलाइंस। हाँ दोस्तों, जमैका एयरलाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, ये देश की क्लाइमेट चेंज दिखाऊं, उससे पहले ये देश के जो राज्य है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये देश के जो 14 राज्य मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा, एक एक करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, ये देश के क्लाइमेट चेंज दिखाऊंगा, कहाँ पर ठंडी है, कहाँ पर गर्मी है। तो दोस्तों, आप नजर पे आ जाएंगे ग्राफ के थ्रू, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की पॉपुलर एक प्लेयर है, जो एक खिलाड़ी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन उससे पहले ये देश की जो फॉरेन रिलेशन, हाँ दोस्तों, ये देश कौन कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता है, वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। जो देश के साथ इस देश का अच्छा रिश्ता है वो देश जो यहाँ पर सफेद आपको नजर पे आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, ये देश की एक पॉपुलर खिलाड़ी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा उसका इमेज, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है इस देश की पॉपुलर एक खिलाड़ी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों, एक ऐसा भी इंसान है जिसका नाम जो है रिल्डन चिल्लॉय, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया 2020 में। तो दोस्तों, ये देश की एक बाशिंदा है। इसके अलावा आपको पता होगा अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट कमला देवी हैरिस, हाँ दोस्तों, कमला देवी हैरिस,
उसका जो पिता है जमैका की बासिंदा और उसका जो माता है वो एक भारतीय है। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, जमैका जो कैरिबियन सागर के अंदर आता है एक द्वीप राष्ट्र है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका या मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है जमैका की संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित। अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है सबको ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।